आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक। आधार भूलते जाए, आधार भूलते गी। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्वान और कवि चितरंजन दास को याद कर रहे हैं। चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। देशबंधु के नाम से लोकप्रिय चितरंजन दास महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। चितरंजन दास ने लंदन में श्री अरबिंदो घोष, अतुल प्रसाद सेन, सरोजिनी नायडू तथा अन्य से मित्रता की और उनके साथ मिलकर ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी को प्रवर्तित किया। 1894 में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए चितरंजन दास ने वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। चितरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के मामले में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। अपने उत्तर पारा भाषण में श्री अरबिंदो ने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया कि चितरंजन दास ने उन्हें बचाया। चितरंजन दास अनुशीलन समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1919 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान वो बंगाल की एक मशहूर हस्ती माने जाते थे। उन्होंने अपने यूरोपीय कपड़े जलाकर और खादी धारण कर ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार की शुरुआत की। ১৯২৪ में चितरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के पहले महापौर के रूप में चुने गए थे। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता, सहयोग और सांप्रदायिक सद्भाव की हिमायत करते थे। चितरंजन दास उस समय एक प्रतिष्ठित बांग्ला कवि के रूप में उभरे जब राष्ट्रीय आंदोलन के मुश्किल दिनों के दौरान उन्होंने मलंचा और माला नामक कविताओं के संग्रह के पहले 2 खंड प्रकाशित किए। 1913 में उन्होंने सागर संगीत का प्रकाशन किया। नामिये नाओ गैनेर बोझा, सोईते नारी बोझार भार, आमार সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে তেরে অন্ধকার। 1925 में अधिक काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। चितरंजन अपनी सेहत ठीक करने दार्जिलिंग गए थे। वहाँ महात्मा गांधी उनसे मिलने आए और कुछ दिन उनके साथ रहे। चितरंजन दास का 16 जून 1925 को निधन हो गया। आज ये हृदय कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चितरंजन दास के निधन पर गांधी जी ने कहा था कि चितरंजन दास उन महान लोगों में से थे जिन्होंने सपना देखा और भारत की स्वतंत्रता की बात की। उनका दिल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं करता था और यहाँ तक कि वे अंग्रेजों के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते थे। प्रभाते जागृत हृदय शेष करोगान, हमार जीवन भरा विश्वेर आह्वान। आज हम बंबई के शेर फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं जिनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। उनका जन्म
4 अगस्त 1845 को बंबई में हुआ। उन्होंने 1864 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मेहता कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के लिंकन्स इन गए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने बॉम्बे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सुधारों की आवश्यकता का मुद्दा उठाया और सन 1872 का बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट तैयार किया। इसके लिए उन्हें बंबई नगर पालिका के जनक की उपाधि मिली। वो 1873 में बंबई नगर पालिका के नगर आयुक्त बने और 4 इसके अध्यक्ष रहे। मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल प्रकाशित किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार का विवरण दिया गया। गांधी जी जब भारत पहुंचे तो फिरोज शाह मेहता ने 12 जनवरी 1915 को उनका स्वागत करने के लिए एक जनसभा की अध्यक्षता की। इसी वर्ष बाद में फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे में निधन हो गया। आकाशवाणी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेताओं में शामिल इस नेता को सलाम करता है। पांच नवंबर 1945 को लाल किले में INA का मुकदमा शुरू हुआ। INA के बचे हुए सदस्यों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। हालांकि इस मुकदमे की सुनवाई को सार्वजनिक करने का निर्णय अंग्रेजों की गंभीर गलती साबित हुआ, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हो गई। इस मुकदमे ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था। हालांकि विद्रोह को जल्दी ही दबा दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे भारतीय ब्रिटिश सेना का समर्थन खो रहे थे, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक सत्ता में रखा था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।